आज हम देखने वाले हैं एवरीडे मेकअप लुक फॉर ऑफिस या फिर कॉलेज, आप कॉलेज रोइंग गर्ल हो तो ये जो मैंने मेकअप किया है वो सिर्फ 5 to 10 मिनट्स में ही हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मेरा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। डेली मेकअप के लिए मैं फाउंडेशन प्रेफर नहीं करती, मुझे पॉन्ड्स की बीबी क्रीम या फिर लैक्मे की सीसी क्रीम है वही यूज़ करना अच्छा लगता है। मेरे फर्स्ट हाफ में जो मेरे चेहरे का फर्स्ट हाफ है उसमें पहले अप्लाई कर लूँगी। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मुझे हाथ से ही अप्लाई करना अच्छा लगता है, वो अच्छा कवर भी हो जाता है। नेक्स्ट में अलग मेरा जो नेक्स्ट हाफ है उसमें अप्लाई कर लूँगी। अगर आपके डार्क सर्कल्स ज़्यादा है तो आप अंडर आइज़ के नीचे भी अलग से अप्लाई कर सकते हो। मेरे इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन स्टिल मुझे थोड़ा और कवरेज चाहिए इसलिए मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही अच्छी कवरेज देती है क्रीम और बहुत ही नेचुरल लुक लगता है। सो जो नेक्स्ट मेरा प्रोडक्ट है वो है लैक्मे का सन एक्सपर्ट कॉम्पैक्ट। ये मेरे पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। आप देख ही रहे होंगे कि ये मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने में आया है क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। डेली यूज़ मैं इसको डेली यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छी कवरेज देता है और इसमें SPF भी है जो जिससे हमें सन प्रोटेक्शन भी मिलता है। ये मेरा बेस हो चुका है, अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट्स अप्लाई करेंगे। जो नेक्स्ट मेरे पास है वो है लैक्मे की काजल, आइकॉनिक काजल। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है यूज़ करना। ये बिल्कुल भी स्मज प्रूफ है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। मैं अभी आंखें बंद करके मेरे अपर वाटर लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी जिससे हमें अच्छा जो हमारा आईलाइनर का इफ़ेक्ट है वो मिलेगा। आप इस ट्रिक को यूज़ करके अगर अप्लाई करें तो आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे आपने आईलाइनर लगाया है, तो काजल वो अच्छा लुक इफ़ेक्ट ही देता है। आपके अपने हिसाब से कम ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो। मुझे थोड़ा डार्क काजल अप्लाई करना बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा काजल अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट मेरा जो प्रोडक्ट है वो है लिपस्टिक। ये LA18 ब्रांड की लिपस्टिक है। का जो शेड है वो है W12। बहुत ही स्मूथली अप्लाई हो जाती है लिपस्टिक और आपको चाहिए वैसे आप शेड ले सकते हो। कई बार ओटो के अंदर भी अप्लाई हो जाती है तो इससे इस ट्रिक से आप जो ओटो के अंदर लगी हुई है वो वाइप आउट कर सकते हो। कई बार ओटो के अंदर लगने से हम खाने के साथ ही वो लिपस्टिक ये कर सकते हो, हमें हमारे पेट में चली जाती है विच इज़ नॉट गुड। सो इस हेल्प से हम उससे बच सकते हैं। सो ये मेरा मेकअप लुक बिल्कुल भी रेडी है। हियर आई एम रेडी फॉर ऑफिस। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।